हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में, जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सभी तरह के टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो शाफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस में, रिम एंड फेस अलाइनमेंट में, हम जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का जो करेक्शंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो क्या फार्मूले से करते हैं, किस तरह से, विद एग्जाम्पल्स। मैं एक केस लेके आपको विद एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट इस करते हैं। वीडियो में बात करते हैं रिम एंड फेस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का जो करेक्शन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो लास्ट शाफ्ट अलाइनमेंट है वो क्या है। शाफ्ट अलाइनमेंट एक प्रोसीजर हो जिसमें हम मोटर और कपलिंग, जब दोनों रोटरी इक्विपमेंट्स को असेंबल करते हैं तो दोनों ही शाफ्ट को हमें एक कोलाइनर करना होता है, मतलब एक सीध में उसको लेके आना होता है। इसी प्रोसेस को हम, जैसे इसकी शाफ्ट और इसको, दोनों को एक केंद्र बिंदु को हमें एक्सेस पे हमें मिलाना होता है, इसी प्रोसेस को हम शाफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। और इसके लिए करने के लिए जो मेन पर्पज होता है हमारा, जैसे हमारा जो रोटरी मशीन से वो स्मूथली चल सके, इफिशियंट मिनिमाइजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस जो है उसको कम कर सके, रिड्यूसिंग वियर एंड टियर ऑन द कंपोनेंट एंड इंक्रीजिंग द ओवरऑल लाइफ ऑफ द मशीनरी। यानी जो अगर ये सब कुछ रहेगा तो हमारे मशीन की लाइफ भी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम काफी सारे अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि स्टेट एज एंड फिलर गेज मेथड्स, ये कुछ इस तरीके से स्टेट एज एंड फिलर गेज मेथड होता है। और सेकेंड इज रिम एंड फेस मेथड्स, थर्ड इज रिवर्स डायल मेथड, एंड फोर्थ इज जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहता है वो है लेजर अलाइनमेंट मेथड। सो गाइस, मैं शाफ्ट अलाइनमेंट पे और भी मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो जाइए वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको वर्टिकल मूवमेंट का करेक्शन बताया था, आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, रिम एंड फेस मेथड में। जैसे रिम एंड फेस मेथड आप देखेंगे तो ये जो मेथड होता है जिसमें हम दोनों ही डायल्स को एक ही साइड में फिक्स करते हैं और उसके बाद जो रीडिंग्स लेंगे और कैलकुलेशंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी करेक्शंस होगा वो हम करते हैं। तो पहले वर्टिकल के लिए पहले वीडियो बनाइए, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा तो उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के करेक्शंस के लिए। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जब भी हम करेक्शंस करेंगे तो सबसे पहले जैसे वर्टिकल मूवमेंट में हमने कुछ रीडिंग्स लेना होता है, ऐसे ही हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के भी वो कुछ रीडिंग्स लेना होगा। सबसे पहले देखिए TIR, यानी फेस TIR एंड रिम। फेस जो TIR हमारा, ये जो डायल होता है ये फेस फेस डायल है और ये रिम डायल है। तो रिम इस तरह से दोनों ही डायल्स में जो रीडिंग्स आएगी वो रीडिंग्स लेनी है। एंड ए अगर आप देखें तो ए जो डिस्टेंस हमारा, जो यहाँ से कपलिंग का जो डिस्टेंस रहेगा, जहां पर ये वाला ये कपलिंग का डिस्टेंस होता है आपका, जहां से ये डायल टच करेगा और ये जो डिस्टेंस बनाएगा उसको बोलते हैं हम ए डिस्टेंस। एंड बी इज अ जो आपका यहाँ डायल गेज के जो सेंटर से फ्रंट फुट जो बोल्ट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है बी। और सी इज अ डिस्टेंस ऑफ यहाँ से जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है और उसे जो हमारा रियर फुट जो होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम सी से मेंशन करते हैं। तो फॉर्मूले में हम यही सेम जो आपको नंबर दिख रहे हैं यही वैल्यूज हम आपको फॉर्मूले में बताएंगे, सो आपको इसलिए आसानी होगी इसको समझने में। तो अब दोनों की अगर पोजीशंस की हम अगर रीडिंग्स की बात करें तो जैसे हमने पहले जो वर्टिकल मूवमेंट में हमें जो रीडिंग्स लेना होता था वो लेना होता था हमें 6 o'clock पोजीशन एंड 12 o'clock पोजीशन। बट इस केस में हमें क्या होगा, 9 o'clock पोजीशन पे रीडिंग लेना है एंड 3 o'clock पोजीशन पे रीडिंग लेना है आपको, क्योंकि हम क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का करेक्शन कर रहे हैं। पहले हम वर्टिकल मूवमेंट का करेक्शन कर रहे थे तो हम 6 o'clock एंड 12 o'clock की रीडिंग्स ले रहे थे, अभी हम 9 o'clock एंड 3 o'clock पे पोजीशन पे हम रीडिंग्स लेंगे। सो रीडिंग्स लेने के बाद वो जो आपने अगर मेजर कर दिया तो उसके बाद ये फार्मूला है, कैलकुलेशंस है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आपको जो भी जो कैलकुलेशन करना है कि हमें कितना मूवमेंट लेफ्ट टू राइट रहना है या लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है मोटर को, वो हमें इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट है। तो ये पहला जो फार्मूला देख रहे हैं ये फ्रंट फुट के लिए, फ्रंट फुट बोले तो ये जो फ्रंट में ये जो दो बोल्ट होते हैं इन फ्रंट फुट के लिए आपका ये फर्स्ट वाला फार्मूला है, और सेकंड वाला फार्मूला है ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ये रियर फिट के लिए, रियर फिट में जो दो बोल्ट होते हैं ये इसके लिए आपको ये दोनों ही फार्मूले में बोल्ट
बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मेनली चेंज क्या है, ये बी जो बी डिस्टेंस है, पहले जो हम लेंगे, पहले हम लेंगे यहाँ से जो फ्रंट फुट बोल्ट का डिस्टेंस है वो लेंगे, और जो हम जब रियर फुट की कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रंट फुट से कंप्लीट हम ये पूरा डिस्टेंस लेंगे यहाँ से बी एंड सी। जैसे मैंने यहाँ सी मेंशन किया, सी मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरा सी यहाँ से लेके बी प्लस सी, बी प्लस सी इजकल टू सी, इस तरह से आपको पूरा ही लेना होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे देखिए यहां से ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको सी माना जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस आपको मेजर करना है और इसमें फिर कैलकुलेट करना है। तो सेम इसी तरह से हम एक कैलकुलेशंस लेते हैं और उसको फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जैक्ट किस तरह से रीडिंग्स आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ रीडिंग सैंपल रीडिंग्स लिए हुआ है, जिसमें हमारा रिम डायल दिखेंगे तो कौन सा, ये आर जिसको ये रिम डायल है, और फेस डायल मतलब जिस पे एफ लिखा है फेस डायल है। तो दोनों पे हमने देखो अभी क्या 9 o'clock पोजिशन है, 3 o'clock पोजिशन पे, तो 9 o'clock से 3 o'clock पोजिशन पे लेके जाते हैं तो कुछ रीडिंग्स हमें डायल पर मिलती है। तो हमने डायल पे देखा रीडिंग है 0.350 mm रिम डायल पे है, एंड फेस डायल पे 0.150 रीडिंग्स आ रहा है। ये माइनस में रीडिंग है, देखिए ये प्लस में रीडिंग है, तो माइनस और प्लस में दोनों में हमें रीडिंग्स मिल रही है यहाँ पर। और जो डिस्टेंस बताया था मैंने, ए डिस्टेंस ये हमारा, ये ए डिस्टेंस है 150, एंड बी इज यहाँ से जो डायल हमने लगाया है वहां से जो फ्रंट फुट बोल्ट का डिस्टेंस है वो बी, और सी इज 500, बी इज 200, फाइव सी इज 500, 500 मतलब ये बी प्लस सी। तो यानी यहाँ से ये जो आप पूरा डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से ये देखिए ये बी प्लस सी, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा है सी। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा मेजर करना, तो हमने देखा 500 है। तो अभी इसी को ही हम आगे फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसी वैल्यूज को। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से कि ये जो फॉर्मूला था हमारा मेन, ये अब सबसे पहले हम फ्रंट फुट की करेक्शंस करते हैं, जो हमारा फ्रंट फुट है उसमें हमें कितना मूवमेंट करना है। तो फ्रंट फुट की करेक्शंस के लिए देखिए आप बी हमने यानी ये डिस्टेंस लिया है, बाकी फार्मूला वही सेम रीडिंग्स है। तो फेस रीडिंग हमने यहाँ से ऐड किया माइनस ये 15.150, ए इज 150 इंटू बी इज 200 प्लस 1/2 अपॉन ये आपका रिम की डायल माइनस 0.350। अभी जब आप पूरा इस कंप्लीट रीडिंग्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस में 0.025 mm। आप इसको कैलकुलेटर या फोन या कैलकुलेटर किसी की हेल्प से आप इसको इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके जो रीडिंग्स होगी आपको वो, इसमें आपको ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको माइनस और प्लस जो रीडिंग्स आ रही है आपकी, माइनस में आ रही है प्लस में आ रही है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अभी देखो जैसे रीडिंग्स आ रहा है हमारा प्लस में आ रहा है 0.025। सेम इसी तरह से हमने ये फ्रंट फुट के लिए कर लिया कैलकुलेशंस, नेक्स्ट इज अ रियर फुट यानी बैक फुट में, ये जो रियर फुट है इसके लिए क्या कैलकुलेशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सी सी यूज किया, सी मतलब आपका यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम सी। सी हमने मेंशन किया था आपका जो सी है वो 500, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ सी इज 500 रहेगा, यहाँ यानी मतलब यहाँ पे ये बी प्लस ये सी दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो 500 आएगी। तो हमने यहाँ 500 लिया है, और इसी तरह से इसको फिर अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर आएगा आपको 0.325 mm आपका आंसर आएगा। और इसी को फिर हम जब हमें करेक्शन, हमें दोनों ही रीडिंग्स मिल गई, फ्रंट फुट में जो करेक्शन करना है वो भी मिल गई और जो बैक फुट में वो भी हमें रीडिंग्स मिल गई। अब हम इसको मूवमेंट कैसे कराएंगे, तो मूवमेंट के लिए सिंपली आपको देखिए आप यहाँ पे ये मोटर के साइड में आप यहाँ पर स्टैंड करेंगे, और आपके राइट साइड यानी ये आपके जिधर राइट हैंड है वो राइट साइड रहेगा, और जिधर लेफ्ट हैंड रहेगा वो लेफ्ट हैंड रहेगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर अगर प्लस में आता है तो मूव राइट टू लेफ्ट, यानी आंसर आपका अगर प्लस में आ रहा है तो मूव राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से हमें इसके जैक बोल्ट्स को टाइट करना है, लेफ्ट की साइड को करना है। इफ आंसर इज माइनस देन मूव लेफ्ट टू राइट, अगर आंसर हमारा माइनस में आता है तो हमें लेफ्ट साइड के जैक बोल्ट्स को टाइट करना होगा। तो इस तरीके से यह मूवमेंट का करेक्शंस करना होता है। इसके लिए करना क्या होगा, आपको सीधे सिंपल से हमें यहाँ पर एक दो डायल्स लगाएंगे, दोनों डायल्स को लगा के, और अगर मान लीजिए हमें लेफ्ट टू राइट की तरफ करना है, यानी लेफ्ट से इधर से राइट की तरफ अगर हमें करना है तो यहाँ से आप जो लेफ्ट वाले जो जैक बोल्ट्स हैं उनको टाइट करेंगे, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करना है तो राइट साइड के जो जैक बोल्ट्स होंगे उनको टाइट करेंगे, तो वो मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा। जैसा कि हमारा करेक्शन आया था फ्रंट फुट, यानी जो फ्रंट फुट वाले ये जो दो बोल्ट हैं इसको हमें आंसर हमारा प्लस में यानी आया, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट यानी इधर से हमें लेफ्ट की तरफ लेके आना है। इफ
अगर हमारा आंसर प्लस में है, सेम अगर हमारा प्लस में है तो इधर से हम इसको लेंगे, और रियर फुट में दोनों रियर भी हमारा प्लस में ही है तो इधर से हम 0.325 mm इसको राइट साइड के जैक बॉल से टाइट करेंगे, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव होगा और हमारा जो शाफ्ट है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम जो वर्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का करेक्शन करते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये कुछ आपका जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स और एक्सीलेंट लिमिट्स आरपीएम के अकॉर्डिंग कितना रखना चाहिए उसका एक चार्ट है, तो इसको भी आप प्रिफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में होटल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का करेक्शन कैसे करते हैं। अगर आपको कोई डाउट कोई सवाल शाफ्ट अलाइनमेंट से लेके आपको कुछ और वीडियोस किसी क्रॉप टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।